हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जिन लोगों की प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन एचसीएस की कंप्लीट हो चुकी है या क्लियर हो चुका है, वो अब मेंस की तैयारी में जोर शोर से लग जाए तो दैट वुड बी मोस्ट एग्जिजेंट। वो सबसे ज़रूरी होगा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि मेंस प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, क्योंकि वहाँ पे हमें आंसर्स लिखने पड़ते हैं, आंसर राइटिंग है, सब्जेक्टिव है। तो इन ऑर्डर टू एक्सेल योर सेल्फ, इन ऑर्डर टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, टेस्ट सीरीज प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल। यहीं पे टेस्ट सीरीज का रोल आ जाता है क्योंकि देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू, जैसे कि आपकी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना और जो पूछा गया है उसके बारे में लिखना, ठीक था। इन ऑर्डर टू डेवलप योर कंटेक्स्ट कॉम्पिटेंस, इन ऑर्डर टू डेवलप योर कंटेंट कॉम्पिटेंस बाय सब्सटेंशिएशन ऑफ योर कंटेंट, आप जो लिख रहे हो उसी को आपको सब्सटेंशिएट करना है बाय प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स, बाय गिविंग, बाय कोटिंग द रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमिटीज या इन ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारे तरीके हैं कि आप अपने कंटेंट की सब्सटेंशिएशन करते हो। तो ये भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो ही पता चलेगा किस तरह से सब्सटेंशिएशन करना है, कैसे एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन टू कंप्लीट द पेपर इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड गिवन इन द एग्जामिनेशन। जो टाइम दी गई है, जो वर्ड लिमिट दी गई है, उसी के अंदर में आपको अपने पूरे पेपर को कंप्लीट भी करना है। तो इन ऑर्डर टू अचीव दीज थ्री इंपॉर्टेंट गोल्स इन आंसर राइटिंग, यू नीड टू परचेज अ टेस्ट सीरीज, यू नीड टू गो फॉर अ टेस्ट सीरीज। यहां पर टेस्ट सीरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन तीन चीजों पे, कंटेक्स्ट कॉम्पिटेंस, कंटेंट कॉम्पिटेंस एंड द टाइम मैनेजमेंट, ये तीन चीजें हैं हमारी टेस्ट सीरीज से आप सीख पाओगे, उससे और भी एक्सेल कर पाओगे और इम्प्रोवाइज कर पाओगे अपने आप को। क्योंकि मेंस पेपर क्लियर तभी होगा जब आप अच्छा आंसर राइटिंग करते हो, इफ़ यू नो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है, एंड दैट टू विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो हियर कम द रोल ऑफ द टेस्ट सीरीज। और अभिमन्यु आपके लिए हर एक साल की तरह एज यूजुअल मेंस की टेस्ट सीरीज लेके आया है, प्रिपेयर्ड बाई एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड वुड बी इवेल्युएटेड within the given time frame and by the experts who is having experience of more than 20 years in this field and in this examination, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के कुछ फीचर्स, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये आप हमारे पोर्टल पर जाओगे, ठीक है, abhipedia.abhimanyu, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, लिंक में क्लिक करो आप सीधा हमारे इस पेज पे आ जाओगे, टेस्ट सीरीज वाली पेज पे। हरियाणा जीएस मेंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ इस टेस्ट सीरीज के बारे में ये है कि इट इज़ वेरी मच इकोनॉमिकल एंड पॉकेट फ्रेंडली। 5500 रुपीज़ में आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो आज के टाइम पे जल्दी पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो ड्यू टू वेरियस इरेगुलरिटीज हम लोगों ने प्राइस भी कम रखे हैं, पॉकेट फ्रेंडली रखे हैं, ताकि लोग पीपल शुड परचेज एंड एक्सेल देयर सेल्फ या इम्प्रोवाइज देयर सेल्फ इन द टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो कुछ फीचर्स टेस्ट सीरीज के ये हैं कि इसमें टोटल अगर देखा जाए तो हरियाणा मेंस जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी मेंस में, उसी पैटर्न पे सारी टेस्ट सीरीज की फ्रेमिंग होगी। जैसे कि टेस्ट सीरीज के अंदर जीएस पेपर वन, जीएस की एक पेपर है, इंग्लिश का ऐसे है, हिंदी ऐसे है, ठीक है, और एक डीआई की पेपर है और फिर एक ऑप्शनल का पेपर है। तो इस पे आपको, इस टेस्ट सीरीज पे आपको जीएस की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इसमें ऑप्शनल्स नहीं है, ठीक है। तो किस फ्रेम पे है, टोटल इसमें 16 टेस्ट है, 16 टेस्ट आर देयर इन नंबर, ठीक है, टोटल 16 टेस्ट, जिसमें से आपको 9 टेस्ट जो है, 9 टेस्ट दैट वुड बी सेक्शनल,
नॉट जस्ट अपसे सेक्शनल इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होंगे, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स. देन वी हैव इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और ये जो सारे जीएस पेपर्स हैं, ये जो जीएस पेपर्स हैं, सेक्शनल टेस्ट है, दीज विल ऑल्सो इंक्लूड द इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस इन द रिसेंट टाइम्स. दैट मीन्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी होगी इनमें. ठीक है, उसके बाद आपके जो मॉक टेस्ट होंगे वो जीएस पार्ट वन की मॉक टेस्ट है, फिर जीएस पार्ट टू की मॉक टेस्ट है, फिर उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स की एक टेस्ट मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी जो ऐसे है इसके दो दो टेस्ट मिलेंगे. ठीक है, 8 सेक्शनल टेस्ट. ठीक है, 4 ये टेस्ट हो गए, और फिर आपको यहां पे 4 ये हो गया, और फिर जीएस कंप्लीट मॉक 1 और जीएस कंप्लीट मॉक 2, मतलब 4 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे. 8 सेक्शनल टेस्ट, 4 इंग्लिश और हिंदी के, और 4 आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेंगे. दैट मींस एग्रीगेट 16 टेस्ट मिलेंगे आपको टोटल इसके अंदर. ठीक है, और जो टाइम फ्रेम है, शेड्यूल जो की गई है, वो थर्ड, इट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 3rd ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा ये, और दिस विल गो टिल द एंड ऑफ नवंबर टिल नाउ. ठीक है, डेट्स जो है वो टेंटेटिव है, कमीशन की जो डेट आएगी मेंस के एग्जामिनेशंस के, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं. ठीक है, बिकॉज डेट्स आर टेंटेटिव. एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्लेक्सी फॉर्मेट में है ये टेस्ट. सपोज किसी कारण से आप अगर आज टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आप तो किसी को 2 दिन बाद देना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम. आप आके अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आके वो टेस्ट को दे सकते हो. एंड किसी भी टेस्ट की या टेस्ट सीरीज की, मेंस की टेस्ट सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द इवैल्यूएशन विद इन 72 आवर्स. 72 घंटे के अंदर आपको आपकी इवैल्यूएटेड कॉपीज मिल जाएंगी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. ठीक है, हमारा पर्सनल डैशबोर्ड सिस्टम है, उस डैशबोर्ड के अंदर आप आंसर लिखो, लिखने के बाद अपने डैशबोर्ड में सबमिट करो, कॉपी आपकी इवैल्यूएट होगी, और इवैल्यूएट होने के बाद आपके डैशबोर्ड में दोबारा डल जाएगी. आप वहां से फिर अपने कॉपीज को रिसीव कर सकते हो और देख सकते हो इवैल्यूएशन को. ठीक है, इवैल्यूएशन विड बी डन बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज. हियर यू विल बी गेटिंग एन एज ओवर अदर एस्पायरेंट्स, और आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर पाओगे, एक्सेल कर पाओगे. ठीक है, क्वेश्चंस एक ही पूछे जाएंगे और बहुत सारे लोग उसका आंसर देंगे, लेकिन उन सारे लोगों में से आपके आंसर्स कैसे एज होंगे, कैसे आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा उसी आंसर का, दिस इज हाउ हियर कम द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टीज. यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज का एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, बिकॉज द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट एन एज ओवर अदर एस्पायरेंट्स टू सिक्योर अ गुड मार्क्स और अ हैंडसम मार्क्स और गुड रैंक इन द मेन्स एग्जामिनेशन या द फाइनल एग्जामिनेशन. क्योंकि पूरी की पूरी जो रिजल्ट है वो मेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है, द मार्क्स यू गोइंग टू स्कोर ओवर ईयर. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, इट्स पॉकेट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकल टेस्ट सीरीज. 5500 में मिल रही है आपको, 16 टेस्ट आपको मिलेंगे 5500 में. ठीक है, तो दिस इज ऑल द फीचर्स ऑफ द एचसीएस मेंस एग्जामिनेशन या मेंस की टेस्ट सीरीज जो है. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लिंक पर विजिट करें और हमारे इस पोर्टल के इस पेज पे पहुंच जाएंगे. इस पेज पे पहुंचने के बाद आप यहां से डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं. ये बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसे आपको बाय कर सकते हैं, इसे कार्ट में ऐड करना, परचेज करना है. फॉर एनी हेल्प, नंबर इज प्रोवाइडेड ओवर देयर, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, किसी भी तरह का इफ़ यू नीड हेल्प, कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल इन द स्पेसिफाइड नंबर. ठीक है, तो दैट्स ऑल वी गॉट इन दिस वीडियो. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.